नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की। यहाँ बिना लाइसेंस चल रहे निजी क्लिनिकों को बीएमओ ने बंद कराया। बात करेंगे बुलंदशहर की। यहाँ विद्युत कटौती के विरोध में विद्युत उपकेंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन किया। चर्चा होगी रीवा की। यहाँ उच्च शिक्षा विभाग की मनमानी फीस बढ़ोतरी के विरोध में रीवा एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन। तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलरामपुर से है। यहाँ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहाँ इंद्रवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी पाकर प्रशासन हरकत में आया। 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लिया। इसकी जानकारी क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर ने दी है, जहाँ अभियुक्त गब्बर उर्फ दयाराम यादव पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम खिरिया मनकौरा थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के साथ मृतका इंद्रावती की शादी एक वर्ष पहले हुई थी। पति पत्नी के बीच आपस में मनमुटाव रहता था और इसके कारण मृतका इंद्रावती अपने पिता के साथ अपने मायके सोनपुर आ गई थी। शक्ति वर्मा आपको लेकर आया हूँ तुलसीपुर थाने पे। थाने पे तुलसीपुर आज एक घटना का अनावरण किया गया है यहाँ के सीओ के द्वारा। आइए हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे कि क्या है और कैसे है, कौन कौन सी घटना है, क्या हुई है। घटने का खुलासा महज 24 घंटे के अंदर कर दिया गया है। तुलसीपुर थाने की पूरी टीम ने जो है मुलजिम को गिरफ्तार करके और इस घटना को पूरी तरह से लोगों के सामने रखा है। आइए थोड़ी देर में जानते हैं कि किस प्रकार की घटना है और किस प्रकार का कांड हुआ है, हत्या हुई है और उसके मामले में जो भी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं अभी थाने तुलसीपुर से। बलरामपुर से सीनियर संवाददाता शक्ति की रिपोर्ट। खबर है आगर मालवा से। यहाँ जिले के सुसनेर तहसील में कई क्लिनिकों को निरंतर शिकायत मिलने पर सुसनेर सिविल अस्पताल में पदस्थ मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव बरसेना स्वास्थ्य अमले के साथ निजी क्लिनिकों का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे और क्लिनिकों का लाइसेंस, दवाई और अन्य सामग्रियों की जांच की। जहां बिना लाइसेंस चल रहे निजी क्लिनिकों पर बीएमओ ने बंद कराया। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है। यहाँ विद्युत कटौती के विरोध में उपकेंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन किया। जहाँ किसान यूनियन अराजनैतिक कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन में चौधरी पिंकी खालौर, जिला अध्यक्ष बुलंदशहर आशु पठान, किसान नेता गुड्डू प्रधान, ब्लॉक अध्यक्ष शावेज खान, नीरज पंडित, जिला सचिव आजाद खां, गजेंद्र लोधी, मुदस्सर खां, मुदस्सर अंसारी, महमूद अंसारी इत्यादि लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नानीबाद की रिपोर्ट। खबर रीवा से है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनयूसीआई जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में रीवा कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि शासन द्वारा जारी किया गया आदेश उच्च शिक्षा के पूरे वर्ष की फीस एक साथ भरना जरूरी है, इसके विरोध में एनयूसीआई साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा गया है। मामले को लेकर पंकज उपाध्याय एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रीवा ने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में हमारे मांगे ये थी कि जैसे पहले कॉलेजों में एडमिशन हुआ करता था, कॉलेज की प्रक्रिया, एडमिशन की प्रक्रिया ये थी कि आप पहले सीट बुक करो, सीट बुक करने के लिए 1000 रुपया फीस सबमिट करके सीट बुक कर लिया करते थे। लेकिन अब एक नया नियम आ गया है, इसे प्रदेश सरकार ने कल जारी किया है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। अब जो प्रक्रिया होगी एडमिशन की, तो आपको पूरी फीस, जैसे कोई सेमेस्टर है जैसे बीएससी करनी है 80,000 रुपये लगती है, 80,000 रुपये आपको पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। आप खुद बताइए, जो सामान्य परिवार से छात्र हैं या कि सामान्य परिवार से आते हैं उनके माता पिता कितने परेशान हैं, आप बताइए 80,000 रुपये 3 दिन के अंदर छात्र कैसे जमा करें। अभिभावक परेशान है, छात्र परेशान है, सदमे में है, यहाँ तक कि अभिभावक कि हम 80,000 1.5 लाख रुपये एक साथ फीस कैसे सबमिट करेंगे। तो हमारा निवेदन करने आ जाए थे, कलेक्टर महोदय को नाम ज्ञापन सौंपे हैं कि ये प्रदेश सरकार को भेजा जाए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भेजा जाए कि आप कुछ अच्छा तो कर नहीं सकते हैं छात्रों के लिए, कम से कम जो प्रक्रिया पूर्व चल रही है उसी को चलने दिया जाए ताकि छात्र बेचारे थोड़ा थोड़ा किस्त में पैसे देकर पढ़ सकें और जो इस तरह के लगातार थोपे जाते हैं छात्रों के ऊपर इनको बंद किया जाए और छात्रों के साथ न्याय किया जाए, इस प्रक्रिया को बंद करके पुरानी प्रक्रिया लागू की जाए, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई कलेक्ट्रेट गेट तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग उसके लिए भी करेंगे क्योंकि छात्र हित में हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है। काराकाट संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के समर्थन के लिए पहुंचे भोजपुरी गायक श्रीलाल यादव के जनसभा में युवाओं की भीड़ देखने को मिली। जसरा समर्थक में भोजपुरी गायक को देखने के लिए विक्रमगंज के इंटर हाई स्कूल के मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के जनसभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी किसी बड़े अपराध की योजना
रिंग बांध के पास बना रहे हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश आलोक के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर त्वरित छापेमारी की गई। यहां दो अपराध कर्मी को एक लोडेड देसी कट्टा जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार तीन अपराध कर्मी भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जिला अंतर्गत लोकसभा चुनाव का समापन हो गया है, लेकिन अभी निर्वाचन की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो भी होना शेष है। सीतामढ़ी पुलिस अभी पूरी तरीके से चौकसी बरते हुई है कि अभी इस दौरान भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हो। इसी क्रम में हर जगह पे चेकिंग लगाई जाती है एवं सूचना संकलन भी किया जा रहा है। इसी क्रम में बैगनिया थाना अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं एवं उनके पास अग्नियास्त्र इत्यादि भी होने की संभावना है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार एवं उनके दल बल जो हैं, राहुल कुमार एवं अन्य जो बैगनिया थाना के दल बल हैं, वो लोग वहां पर हमें सूचना देने के उपरांत पहुंचे, घेराबंदी किए एवं उन्होंने दो अभियुक्तों को पकड़ा है, जिसमें से कि एक का नाम कमरान खान है और दूसरे का नाम ललन कुमार है। दोनों ही जोरियाली के रहने वाले हैं। इनको जोरियाली रिंग बांध के पास में पकड़ा गया है। इनके जो अन्य शागिर्द थे वो पुलिस की दबिश को देखकर भागने में सफल रहे, जिनका हमने नाम पता इत्यादि का सत्यापन कर लिया है एवं जल्द ही उन्हें भी किसी के लिए गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अनुसार किया जाएगा। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किया गया है। अग्रिम कार्रवाई सभी की जा रही है। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी मारवाड़ी युवा मंच और मोतिहारी सृष्टि शाखा के संयुक्त तत्वाधान के द्वारा जिले में पहली बार 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। सिकरिया कॉन्फ्रेंस हॉल में राधानगर में आयोजन किया गया। यहां करीब 50 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। क्या कुछ कहा यमुना कुमार सिकरिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ये समर कैंप आयोजन किया गया है जिसमें 4 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। करीब 50-60 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यहाँ पर डांस, पेंटिंग, नन फायर कुकिंग, गिटार, बच्चों की प्रतिभा, उनको भाषण देने की कला आना सिखाने का व्यवस्था किया गया। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है जो हम मारवाड़ी युवा मंच मोतिहारी शाखा और सृष्टि शाखा दोनों के संयुक्त तत्वाधान में मिलकर शुरू किया गया है। आज 3रा दिन है। 1 तारीख को इसका समापन किया जाएगा और 2 तारीख को बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा जो बच्चे अच्छे करेंगे। यह मोतिहारी में पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं चाहूँगा जिले के जितने बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें ताकि बच्चों में क्रिएटिविटी आए। आज किताबों के बोझ से कंधे झुक गए हैं बच्चों के। नई सरकार की नई नीति आई है, उम्मीद है कि बोझ कम होगा, लेकिन फिर भी सब कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हाँ, छुट्टी समर कैंप मतलब छुट्टी जो गर्मी छुट्टी होती है इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गर्मी छुट्टी होते ही इसको आयोजन किया गया। मकसद है कि बच्चों में क्रिएटिविटी है। किताबों के अलावा भी नई दुनिया, पूरी दुनिया बची हुई है। खेलना कूदना डांस हल्का फुल्का तो आना चाहिए ना, इसीलिए किया गया ताकि उनका झुकाव बढ़े। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।